नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग कभी कभी शत्रु भी बढ़ जाते हैं कभी नौकरी में समस्या आती है संतान कहना नहीं मानती विवाह में परेशानी वैवाहिक जीवन में टेंशन कभी कोई तीसरा आपके लाइफ में आ गया अब वो वहाँ परेशानी कभी पड़ोसी भी परेशान करते कभी आपका दुकान बांध देते कभी आपकी जॉब नहीं चलती हर तरह हर तरफ़ समस्याएँ हैं इस भागदौड़ बड़े जीवन में ऐसे में आज हम आपको दो महाप्रयोग बताएंगे हालांकि दो से ज़्यादा ही बताएंगे लेकिन सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे शिव जी को मनाने के लिए फिर हम आपको एक महाप्रयोग बताएंगे तो जब आपको लगे कि आप चारों तरफ से हार गए हैं कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही अब आप एकदम से टूट रहे हैं तब एक छोटा सा काम कीजिए आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं अगर आप सावन के महीने में करेंगे तो किसी भी दिन ये प्रयोग कर लीजिएगा बहुत सिंपल है करेंगे क्या एक बिलपत्र ले लें एक बिलपत्र याद रखिए बिलपत्र में तीन पत्तियां होती है जो बीच वाला बिलपत्र का पत्ती है उसमें शहद लगाइए और जो दो और बिल पत्र में पत्तियां हैं दोनों तरफ दोनों में लाल चंदन घिस के लगा दें याद रखिएगा बीच वाला पत्ती में शहद लगाना है और दोनों तरफ दो बाकी के नीचे के साइड दो पत्तियां हैं उसमें लाल चंदन लगा लीजिए लाल चंदन आप घिस के भी लगा सकते हैं मार्केट में, में रेडीमेड भी मिलता है आपकी मर्ज़ी पर है अब इसको लेकर किसी भी पास के शिव के मंदिर में चले जाएं और शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग में बिल्कुल आप तस्वीर में देख रहे हैं ऐसे ही बिलूपत्र को शहद वाले हिस्से से चिपका दें शिवलिंग पर उसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित करें उसको चिपक्का वही रहने दे शिवलिंग पर थोड़ा सा जल अर्पित कर दे नियम का आपकी जो कामना है जो परेशानी है शिव जी से कहते हैं सारे कष्ट हरेंगे शिव जी कई बार जीवन जीने की चाह खत्म हो जाती है और जब शत्रु अपने हो तो परेशानी और बढ़ जाती है जीवन में हर कदम पर जब कोई जाल बिछाने लगे तब घुट घुट कर जीना पड़ता है आखिर इन तमाम परेशानियों का कोई तो हल होगा या यूं ही पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी ऐसे ही घुट घुट कर बहुत सारे सवालत आपके मन में होंगे बहुत सारे हमारी माताओं बहनों के बहुत सारे सवाल आते हैं क्या करें जब अपने ही दुश्मन हों आखिर इनसे कैसे बचें बहुत सारे हमारे बच्चे भी ऐसा लिखते हैं कि ऑफ़िस में परेशानी है इनको जॉब में परेशानी आ रही है बहुत सारे बेस्ट भी कहते हैं कि बहुत सारी तकलीफें हैं जिंदगी में क्या करें आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आप करें तो हंड्रेड परसेंट रिजल्ट देंगे हाथों हाथ क्योंकि ये खुद अपने आप में सिद्ध उपाय है और इससे बड़ा भयानक उपाय कोई भी नहीं है अगर हम इस तंत्र विद्या की माने तो हालांकि यह तांत्रिक उपाय है लेकिन ज्योतिषीय उपाय भी है इसमें कहीं कोई मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकाल देगा आपके बहुत सारे मार्मिक सवालात हमें आहत करते हैं तो चलिए आज हम आपको आपके तकलीफों से बाहर आने के लिए एक विशेष उपाय बताएंगे जो उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए फिर कोई दूसरा उपाय करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्या करें आपने भोजपत्र का नाम सुना होगा एक, एक तरह का ये वृक्ष है उसका छाल होता है अगर आपको भोजपत्र मिल जाए वैसे पूजा सामग्री के दुकान में मिल जाता है अगर मिल जाए तो अच्छी बात नहीं मिले तब सफेद कागज ले लें सफेद कागज मतलब रूलिंग वाला नहीं यानी जिसमें मैथ बनाते हैं ना बिल्कुल प्लेन होता है कागज वही कागज लीजिएगा अब इस इसको आप क्या करेंगे आपको कागज़ लेने के बाद अष्टगंध ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा अष्टगंध को अनार की कलम से हालांकि अनार का कलम आपको जल्दी नहीं मिलेगा तब ऐसे में आप इसके लिए चांदी की कोई आप काठी का प्रयोग कर सकते हैं या चांदी की कोई भी चीज़ का नई वस्तु कोई भी चीज़ है आपके पास अगर मान लेते हैं अब वो भी नहीं है आपके पास तब बेलपत्र का डंठल ले लें बेलपत्र का पत्ता ले लें पत्ता को पत्ता में एक डंठल लगा होता है उसी डंठल से लिखिएगा अष्टगंध का आप आपको मार्केट में मिल जाएगा अब डब्बा एक छोटा सा ले आइए अब इसको आप बेलपत्र के डंठल से अगर आपके पास जो है उसी से करें क्योंकि आपकी सुविधा सर्वोपरि है दिल से कीजिए क्योंकि दिल से की गई कोई भी उपाय कोई भी मंत्र जल्दी फल देता है तो आपको भोजपत्र लेना है अष्टगंध लेना है और अगर अनार की कलम मिल जाए तो अच्छी बात नहीं तो बेलपत्र का डंठल ले लें अब इस पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है किससे लिखेंगे बे, बेलपत्र को डंठल को पहले तो अष्टगंध थोड़ा सा किसी कटोरी में निकाल लें उसको गंगा जल या प्लेन वाटर पानी जो भी आपके पास है उससे गीला करके गाढ़ा सा घोल बनाइए अब बेलपत्र को उसमें डुबाइए और इस अष्टगंध में डीप करके आप जो भोजपत्र लिए हैं या आपके पास जो सादा कागज़ है उस पर जितने भी आपके शत्रु हैं आपके अपने हैं अब कई बार क्या होता है पति भी बड़े परेशान करते हैं पत्नियों को कई बार पति भी पत्नियों से परेशान रहते हैं बड़ी झगड़ा करती है घर आते हैं परेशानी दे देती दे है यहाँ वहाँ की शिकायतें करती हैं कभी माँ की शिकायत करती हैं पति बेचारे भी क्या करें सारा दिन परेशान रहते हैं घर में किसी किचकिच अलग कई बार पत्नियों से बनती भी नहीं है तो पति भी ये उपाय कर सकते हैं सास ससुर से कई बार नहीं बनते कई बार ननद जेठानी देवरानी कई बार तो पड़ोसी क्या करें कई बार तो ऑफिस में बहुत सारे स्टाफ ही जलते हैं इनके सीनियर भी जलते हैं देखना नहीं चाहते लगेगा जैसे किस जन का दुश्मनी निकाल रहे हैं कई बार तो आपके अंदर काम करने वाले लोग भी आपसे दुश्मनी करते हैं आप व्यापारी हैं आपके जो स्टाफ हैं वही आपके मन मुताबिक नहीं है बहुत सारी टेंशन है जीवन में इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए ही आज हमने ये उपाय आपके सामने रखा है और एक बारी इस उपाय को कर लेंगे आप ना यकीन मानिए ना तो आपकी सासू माँ आपको सताएगी ना ही पतियों को पत्नियाँ सताएगी ना पत्नियों को पति गाली गलौज करेंगे ना ही टॉर्चर करेंगे बहुत सारी हमारी महिलाएं भी ऐसा कहती हैं क्या करें बहुत कष्ट है ससुराल में घुट घुट कर जी रहे हैं अब नहीं जीना होगा जितने भी लोग आपको लगता है आपको नहीं पसंद करते ये जो शहद है ना उन रिश्तों में मिठास घोलेगा उनकी बुद्धि को मती पर एक मिठास का घोल लेबल लगा देगा वो चाह कर भी आपको टॉर्चर नहीं करेंगे वो चाहकर भी टॉर्चर नहीं करेंगे और बेबजह आपके खिलाफ षड्यंत्र भी नहीं बनाएंगे धीरे धीरे सब कुछ आपके हक में आ जाएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं आप हर कोई कर सकते हैं आप विद्यार्थी हैं आप भी कीजिए आप बड़े हैं आप महिला हैं पुरुष हैं बुजुर्ग हैं कई बार तो बुजुर्ग कहते हैं बेटे बहू नहीं मानते रखना नहीं चाहते कई बार तो बहुत सारी तकलीफें हैं तो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं उन पर निगेटिव प्रभाव नहीं होगा पॉजिटिव ये होगा कि उनकी बुद्धि बदल जाएगी वो आपके सामने झुके रहेंगे या फिर आपके बातों को अच्छे से समझेंगे आपसे प्रेम भाव उनका बढ़ेगा या आपके खिलाफ़ षड्यंत्र तो कम से कम नहीं लगाए करेंगे फिर आगे बढ़कर तो आपने सादा कागज लिया है या फिर भोजपत्र लिया है अभी तक आप समझ चुके होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं हमने भी बहुत विस्तार से इस वीडियो को बनाया है प्लीज जरूर उपाय करें अब आपको भोजपत्र पर इस अष्टगंध की स्याही में डुबोकर आपके पास जो भी है अनार का कलम या फिर बेलपत्र का डंठल उससे अपने सभी शत्रुओं का नाम लिख दें जितने भी हैं सासू माँ का नाम लिखे नहीं आता है नाम सासू माँ का तो सास लिख दें ससुर लिख दें जेठ जेठानी देवरानी जो भी हैं आपके ऑफिस में आपका बॉस है आपके पड़ोसी हैं सब का एक लाइन से आपके बच्चे का भी लिख सकते हैं हानि नहीं होगा यकीन मानिए लिखने के बाद इसको मोड़े अच्छे से मोड़ के छोटा सा टुकड़ा बना लें छोटा टुकड़ा नहीं फाड़ना नहीं है उसको मोड़ ले अच्छे से फोल्ड कर लें अब एक शहद की सीसी भी आपको रखना है याद रखिए हनी एक पचास ग्राम का डाबर हनी या कोई भी हनी का एक सीसी आप खरीद के ले आइए नया ले आइएगा बिल्कुल नया अब इस बोतल में सीसी में आपको ये जो आपने मोड़ा है ना भोजपत्र या कागज़ पर लिख कर जिसपे भी लिखा है इसको मोड़ा हुआ को इस सीसी के अंदर अच्छे से अंदर कर दें डुबो कर जैसे शहद के अंदर पड़ा रहे अच्छे से ढक्कन लगाए अपने घर में कहीं भी कोने में इसको छिपा कर रख दे आप चाहें तो मिट्टी में कहीं ऐसी जगह दबा दे जहां की इसको लोग हटाएं ही नहीं वो पड़ा रहे जन्म जन्मांतर तक यकीन मानिए शत्रु शत्रुता भूल जाएगा और आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं करेगा आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगा और अगर उसने कभी कोई गलती की है तो उसको रिलायज भी होगा और आपसे माफी भी मांगेगा करें लाभ होगा फिर आप लाइक कीजिएगा फिर सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर कमेंट कीजिएगा हम आपसे विदा लेते हैं हर हर महादेव धन्यवाद